हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मास लेसन प्लान, कैपेसिटी और जग एंड मग। ये लेसन प्लान एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड है और इस लेसन प्लान को दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, इंग्लिश, आर्ट, क्राफ्ट के साथ इंटररिलेट करके बनाया गया है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का बच्चों की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, जैसे कि दे विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट्स यूज़ इन आर डेली लाइफ एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेजर लिक्विड देमसेल्व्स। बच्चे जो हैं वो खुद लिक्विड्स को मेजरमेंट करने के एबल होंगे एंड दे विल एबल टू मेजर आइटम्स डिफरेंटली। अलग अलग आइटम्स को भी वो मेजर कर पाएंगे एंड दे विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड दे विल एबल टू कंपेयर मोर एंड लेस यूनिट। नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेते हैं, जिसमें कि जो टीचर है बच्चों को जो एक्टिविटीज़ करवाएगी उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले, वेसल्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन। अलग अलग कैपेसिटी के जो वेसल्स हैं, बर्तन हैं, वो बच्चों को दिए जाएंगे, जैसे कि बकेट, मग वगैरह। एंड सेकंड है, टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू क्रिएट टू पेपर सिलेंडर ऑफ डिफरेंट साइड्स। तो बच्चे जो उनके पास पेपर होगा, टू पेपर्स होंगे कोई भी, उनसे अलग अलग साइज के सिलेंडर बनाएंगे जो कि क्राफ्ट के साथ एक्टिविटी इंटर रिलेट होगी। तो इसके लिए जो मैथ टीचर है वो क्राफ्ट टीचर की हेल्प भी ले सकती है। नेक्स्ट है, मेजरिंग लिक्विड्स एंड कंपेयरिंग द साइज ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स। तो जब बच्चे लिक्विड्स को मेज़र करेंगे, जो अलग अलग वेसल्स में या कंटेनर्स में लिक्विड होगा उनको मेज़र करेंगे, तो वो उन कंटेनर्स के साइज़ को भी कंपेयर करेंगे आपस में। नेक्स्ट है, टू स्प्लैश द वाटर ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पे बच्चे जो वाटर है उसको ग्राउंड में स्प्लैश करके देखेंगे, ये एक्टिविटी उनके साइंस के साथ रिलेट होगी। नेक्स्ट आ जाती है इंग्लिश के साथ इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जिसमें कि बच्चे वोकैबुलरी वर्ड्स सीखेंगे, लाइक ग्लास फुल, बकेट फुल, हाफ, ट्वाइस, फोर टाइम्स, क्वार्टर एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट ईवीएस के साथ इंटर रिलेट होगा, जिसमें कि टीचर उनको क्वेश्चन पुट कर सकती है, दैट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती हैं हमारी एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटी वन, जो कि मैथ के साथ रिलेटेड है, इसमें टीचर बच्चों को वेसल्स देगी अलग अलग कैपेसिटी के, फॉर एग्जांपल बकेट एंड अ मग। देन द स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू फिल द बकेट विद द ग्लास। सबसे पहले तो बकेट जो है उसको ग्लास के हेल्प से फिल करने के लिए बोला जाएगा, देन द मग विद द ग्लास। फिर उसके बाद जो मग है उसको ग्लास की हेल्प से वाटर फिल करने के लिए बोला जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स कैन बी आस्क्ड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर यूज्ड फर्स्ट टू फिल द बकेट एंड देन अ मग। तो बच्चों से टीचर पूछेगी कि बकेट को फिल करने के लिए कितने ग्लास वाटर लगा और मग को फिल करने के लिए कितने ग्लासेस यूज हुए। फिर सेकंड एक्टिविटी आ जाती है, जिसमें कि रिवर्स किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा इस एक्टिविटी को। द स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू एम्प्टी द वेसल्स इंस्टेड ऑफ फिलिंग देम। पहले उन्होंने ग्लास की हेल्प से वाटर फिल किया था, अब उनको ग्लास की हेल्प से वाटर को बाहर निकालना है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स इन अ क्लियर वे। तो इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से बच्चों को नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिविटी थ्री, जिसमें कि टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट डिफरेंट बॉटल्स। अब यहाँ पे टीचर बच्चों को अलग अलग बॉटल्स को इकट्ठा करने के लिए बोलेगी। इसमें डिफरेंट साइजेस की बॉटल्स हो सकती हैं, स्मॉल से बिगर, जैसे कि आई ड्रॉप्स, नेल पेंट, वाटर बॉटल, जूस कैन एक्सेट्रा। नाउ शी विल आस्क देम टू फाइंड द वर्ड ml और l
अब आपको पता है कि इन सारी बोतल्स के ऊपर मिलीलीटर और लीटर तो लिखा होता है, तो टीचर बच्चों को बोलेगी कि इसके ऊपर ML और L को फाइंड करो। देन टीचर असेसेस देयर ऑब्जर्वेशन। अब टीचर जो है बच्चों की ऑब्जर्वेशन को असेस करेगी और उनको एक्सप्लेन करेगी कि डेली लाइफ में हम कैसे अलग अलग मेजरिंग आइटम्स यूज़ करते हैं जो कि लीटर और मिलीलीटर से मार्क्ड होती है। L स्टैंड फॉर लीटर एंड V यूज़ इट फॉर बिगर लिक्विड यूनिट। टीचर उनको बताएगी जो L है वो लीटर के लिए यूज़ होता है और ये बिगर यूनिट के लिए होता है। एंड ML स्टैंड फॉर मिलीलीटर एंड इट इज़ यूज फॉर स्मॉलर लिक्विड यूनिट। जो मिलीलीटर है वो स्मॉलर लिक्विड यूनिट्स के लिए यूज़ होता है। देन शी विल एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। नेक्स्ट द टीचर विल सर्कुलेट वर्कशीट आस्किंग स्टूडेंट्स टू गेस द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। अब टीचर जो है बच्चों को वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करेगी और उनको कंटेनर्स की कैपेसिटी जो है उसको गेस करने के लिए बोलेगी। वर्कशीट पे कुछ स्मॉलर बिगर कंटेनर्स बने होंगे और टीचर बच्चों को गेस करने के लिए बोलेगी कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। देन आ जाती है एक्टिविटी 4 जो कि क्राफ्ट से इंटीग्रेट होगी। हेयर टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू क्रिएट पेपर सिलेंडर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड फिल देम विद स्टोन्स। तो बच्चे अलग अलग साइज के सिलेंडर बनाएंगे पेपर से और उसमें स्टोन्स फिल करेंगे। नाउ एम्प्टी द सिलेंडर एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टोन्स। कंपेयर द नंबर ऑफ स्टोन, आर दे इक्वल और अनइक्वल। जैसे कि बच्चों ने पहले अलग अलग साइजेस के सिलेंडर बनाए तो उसमें स्टोन्स फिल किए। अब बच्चे उन सिलेंडर्स को एम्प्टी करके स्टोन्स को काउंट करेंगे कि किस में ज़्यादा स्टोन्स थे और किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक्टिविटी 5 जो कि साइंस के साथ इंटर रिलेटेड है। इसमें टीचर बच्चों को वाटर मग लाने के लिए बोलेगी और उसको उस वाटर को ग्राउंड के ऊपर स्प्लैश करने के लिए बोलेगी, ग्राउंड के ऊपर फेंकने के लिए बोलेगी। फर्स्टली विद ग्लास एंड देन विद स्पून। पहले तो वो उनको ग्लास के साथ स्प्लैश करने के लिए बोलेगी ग्राउंड पे और फिर स्पून के साथ। नाउ स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व एंड कीप द रिकॉर्ड विच एरिया ऑफ ग्राउंड ड्राइड फर्स्ट। बच्चे देखेंगे कि कौन सा वाला ग्राउंड का एरिया पहले सूख गया। क्या जहाँ पर उन्होंने ग्लास के साथ पानी फेंका था वो पहले सूखा या स्पून वाला पहले सूखा। इसको ऑब्जर्व करने के बाद टीचर बच्चों को इसका रीज़न एक्सप्लेन करेगी कि इसके पीछे क्या रीज़न है। दैट इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी 6 जो कि EVS के साथ इंटीग्रेटेड है। नाउ टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टेल मी अबाउट हु विल ड्रिंक मोर वाटर, योर मदर और योर यंगर ब्रदर सिस्टर। यहाँ पे टीचर बच्चों को एक क्वेश्चन करेगी कि मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा पानी पी सकता है, आपके मामा या फिर आपके छोटे ब्रदर या सिस्टर। एंड शी विल ऑल्सो आस्क देम हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन अ डे, कि वो एक दिन में कितना पानी पीते हैं, कितने ग्लास पानी पीते हैं। तो बच्चे फील करेंगे कि वो समर में कितने ग्लासेस वाटर ड्रिंक करती हैं एंड विंटर में कितने ग्लासेस वाटर ड्रिंक करते हैं। नाउ शी विल इनकरेज द स्टूडेंट्स टू ड्रिंक मोर वाटर टू कीप देयर बॉडी हाइड्रेट इन समर सीजन, जिससे कि टीचर बच्चों को वैल्यूज भी सिखाएगी। एंड लास्ट एक्टिविटी आ जाएगी जो कि 8 के साथ इंटीग्रेटेड होगी, जिसमें कि बच्चे ड्रॉ करेंगे बकेट ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर देम। अलग अलग साइज के बकेट को ड्रॉ करेंगे और उसको कलर करेंगे। लास्ट में हमारे लर्निंग आउटकम्स आ जाते हैं कि बच्चों ने इस चैप्टर से क्या सीखा, क्या समझ आया उनको, क्या वो गेन कर पाए। तो लर्निंग आउटकम आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंटेंट। एक तो बच्चों को अलग अलग कंटेनर जो है उनकी कैपेसिटी के बारे में समझ मिली एंड दे आर एबल टू यूज़ ML एंड L इन द डेली लाइफ। तो उनको अपनी
डेली लाइफ में मिलीलीटर और लीटर को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी पता चला। एंड दे आर एबल टू मेजर लिक्विड्स देमसेल्फ, वो खुद लिक्विड्स को मेजर करने के बारे में भी जान पाए। एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो इसके साथ टीचर बच्चों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी देगी इस चैप्टर को समझाने के बाद, तो बच्चे उसको भी सीख पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कंपेयर मोर एंड लेस यूनिट, तो बच्चे ज़्यादा और कम के बीच में भी कंपेयर करना सीख पाए। तो ये था हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड आर्ट इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड लेसन प्लान। अगर आप ऐसे ही लेसन प्लान और चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।